नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी जागी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग सफल से होंगे। आइए शुरू करते हैं पहाड़ ए टू जेड की आज की क्लास। के फॉर काफल। काफल उत्तराखंड के प्रकृति की गोद में पाए जाने वाला एक फल है। कहा जाता है कि यह फल स्वर्ग लोक में पाया जाता है और यह फल इंद्रदेव का पसंदीदा फल है। तो उत्तराखंड भी देव की भूमि है, केवल उत्तराखंड में ही एक फल पाया जाता है। इसका नाम है काफल। काफल उत्तराखंड के जंगलों में बड़े आसानी से पाया जाता है और इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं। मई जून में ही ये पकता है। जब ये हरा हरा फल पकने को जाता है तो इसका कलर गुलाबी कलर का भी होता है, लाल कलर का भी होता है। जब एकदम ये पकने लग जाता है तो ये मैरून कलर का हो जाता है। ये फल, जैसे हमने इससे पहले हिसालू की बात की थी, तो हिसालू की तरह होने वाला छोटा सा फल है और ये गुच्छे गुच्छे में पैदा होता है। ये छोटा सा फल बहुत ही रसीला होता है, लेकिन हिसालू केवल एकदम गुलगुला फल होता है, उसमें दाना नहीं होता है। काफल में एक दाना होता है, उसको गुठली भी बोलते हैं, बहुत छोटा सा, और उसको खाते टाइम उसको भी निगल सकते हैं। ये डायबिटीज में भी बहुत काम आता है। इसकी कई औषधियों में भी इसका, और इससे शरीर त्वचा के रोग भी कहते हैं कि दूर होता है और त्वचा में एक अलग ही चमक आती है। तो ये फल को तोड़ने के लिए जब मई जून में लोग जंगलों में जाते हैं तो तोड़ने के साधन इसकी टोकरी या डलिया या इस तरह की कंडी, ये चीज़ों में ये फल तोड़ा जाता है। वही पत्तों के ही उसको चारों तरफ पहले पत्ते रखे जाते हैं, तब ये फल को उसमें रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत नाजुक फल भी है, बहुत रसीला भी है। रसीला के साथ साथ ये फल जो है बड़े नाजुक तो है ही है, तो इसको बहुत दूर दराज, जहाँ जो राज्यों में फल नहीं होता है वहाँ इसको पहुँचाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रस सूखने लगता है। तो अगर जहाँ जो राज्यों में, जो स्थानों में ये फल नहीं होता है, तो उत्तराखंड आके ये फल का स्वाद चख सकता है और वहाँ के बाजारों में ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लोग जंगलों से तोड़ के इसको बाजारों में बेचने के लिए लाते हैं। और ये तो दोस्तों, इसको सिंपल तो ऐसे खाया ही जाता है, वैसे भी इसमें खट्टा मीठा स्वाद आता है। इसके अलावा इसको सरसों के तेल और पहाड़ी नून, जिसको एक तरह का नमक ही है, जिसको मिर्च और लहसुन आदि डाल के बनाया जाता है, उसको मिला के खाने से इसका स्वाद चौगुना बढ़ जाता है। तो इसको इस तरह भी खाया जाता है। तो दोस्तों, काफल पर उत्तराखंड में कई पौराणिक गाने भी बने हैं, कई कहानियाँ भी बनी हैं जो हकीकत हैं। आप नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और ज़रूर देखें कि उसमें काफल के बारे में क्या क्या कहानी है और क्या। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना पहाड़ के YouTube चैनल पर। किससे कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं, इसीलिए उत्तराखंड की एक लोक कथा को आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। खट्टे मीठे काफल से जुड़ी ये एक भावनात्मक कहानी है। आशा करते हैं कि कहानी के उस पार आप भी इससे जुड़ाव महसूस कर सकेंगे। आइए सुनते हैं कहानी काफल की। मैं भी बहुत जल्दी इस पर एक गाना बनाने वाली हूँ, जो आप जल्दी ही YouTube में देखेंगे। ए थी के फॉर काफल पर बात, एल फॉर अब लेट हो गई है, बाद में बताएंगे अगली क्लास में। Thank you.